बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और अब संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार में फिर से हुए कोरोना विस्फोट के बीच सोमवार को सीएम नीतीश के जनता दरबार में कुल 14 लोग एंटीजन टेस्ट में संक्रमित पाए गए। संक्रमित लोगों में फरियादी, पुलिसकर्मी और कुक भी शामिल है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दूसरी लहर की तरफ इस बार फिर से सख्ती बढ़ाई जा सकती है और इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकेत भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगलवार को यानी कि आज कोरोना पर समीक्षा बैठक होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के अधिकारी इस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। सरकार क्या कुछ पाबंदी या क्या कुछ निर्णय लेगी या कल फैसला होगा यानी कि आज फैसला होगा, कोई भी निर्णय होगा तो वो 5 से 7 दिनों के लिए किया जाएगा। अगर केस बढ़ेंगे तो आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही टेस्टिंग का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर NMCH में करीब 113 जूनियर डॉक्टरों का कोरोना टेस्ट किया गया जहां 49 डॉक्टर कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव, तो दुख तो नहीं होगा? बहुत दुखद होगा कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है जो आता है उसका भी एक का पॉजिटिव निकल गया जो सब चीज़ को देखता है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। तो हर किसी की जांच हो रही है पूरे तौर पर, जितने सरकारी कार्यालय और सब जगह सब का जांच शुरू हो गया। इवन हम लोगों के साथ जो रहते हैं सब लोगों की अब जांच हो रही है, पता चलेगा। लेकिन बाकी तो पॉजिटिव है ही ना, ओमिक्रॉन नहीं है तो दूसरा ही पुराना वाला ही है। लेकिन इसको देखना और इसके लिए सब लोगों को सजग रखना जरूरी है। अभी डॉक्टर्स का बहुत सा हो गया है लेकिन कल शाम में ही सब जगह का पता करके जो कुछ भी होगा निर्णय उसके बाद उसी के आधार पर आगे देखेंगे कैसे क्या करना है।